दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर बेहद प्रसन्न होते हैं। लेकिन खरीदारी के दौरान कुछ ऐसी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर नाराज हो सकते हैं। इससे घर में कंगाली भी छा सकती है। कुछ ही दिनों में धनतेरस का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में हम आपको ये खास बातें बताने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए लोकली टीम ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है। धनतेरस के दिन लोग वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं, लेकिन कभी कभी वस्तु खरीदने में लोग गलती करते हैं, जो नहीं खरीदना चाहिए वह भी खरीद लेते हैं। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है, यानी बहुत मंगल होता है। कई लोग धनतेरस के दिन नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो कई लोग धनतेरस के दिन नई गाड़ी या घर खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है सोना चांदी और बर्तन की खरीदारी करना, लेकिन आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप बाजार से कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो भूलकर भी कोई काला वस्त्र या काली वस्तुएं ना खरीदें। इससे घर में नकारात्मक असर पड़ सकता है। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा बर्तन की बिक्री होती है, पर ध्यान रखें कि लोहा एल्यूमिनियम के बर्तन भूलकर भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन कांच से बनी कोई भी वस्तु खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर पर खराब असर पड़ सकता है। इससे घर में कंगाली भी छा सकती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदकर घर में नहीं लानी चाहिए। घर पर वास्तु दोष का असर पड़ सकता है। धन और सुख समृद्धि में वृद्धि के बजाय जातक को नुकसान हो सकता है। धनतेरस के दिन आप यह निश्चित याद रखें कि काला वस्तु कभी नहीं खरीदें। काला वस्तु उस दिन यदि खरीदते हैं तो आपको धन धान्य समृद्धि के बदले धन धान्य की हानि भी हो सकती है। क्या है, काला वस्त्र कभी नहीं खरीदें, अल्मुनियम का बर्तन कभी नहीं खरीदें और कांच से बनी हुई कोई भी बर्तन खरीदना मना रहता है। कोशिश करें लोहा भी आप न खरीदें, लोहा भी खरीदना हानिकारक है एवं प्लास्टिक की वस्तुएं, यह धनतेरस को इतनी वस्तुएं छोड़ कर के ही आप खरीदेंगे और उसका पूजा करेंगे तो आपको विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपने जाना कि धनतेरस के दिन किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकली टीम।